हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो अब आ चुकी है। डीयू ने पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया है। एवरीथिंग डीयू हैज़ क्लैरिफाइड अबाउट CUET, अबाउट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, एवरीथिंग दे हैव क्लैरिफाइड। तो जैसा आपको पता ही है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है BCom, BA एंड ऑल दोज कोर्सेज, तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यू माइट बी नोइंग, फ्रॉम April 6th, यानी कल से स्टार्ट हो गया है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा और समझें पैटर्न को, उसके बाद आप अप्लाई करें। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, आपको विजिट करना होगा CUET.समर्थ.ac.in। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं टू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, देन यू विल हैव टू विजिट SOL.DU.AC.IN। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं टू नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, देन यू विल हैव टू गो टू admission.UOD.AC.IN। सभी डेट्स यहाँ पे मेंशन है, बहुत ही क्लियर है। बट मैं फोकस कर रही हूँ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो जो स्ट्रक्चर है CUET का, उसका आपको एक रफ आइडिया तो है ही कि एक सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस होंगी, 1A में 13 लैंग्वेजेस, 1B में 20 लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल टेस्ट में कुछ एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होगा। दिस यू हैव एन आइडिया अबाउट ऑलरेडी। बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज द एलिजिबिलिटी। अब आप ये देखें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको पास किया होना चाहिए, उन्होंने कोई मिनिमम परसेंटेज डिफाइन नहीं किया। देखिए ये पूरी नोटिफिकेशन आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें। बट आई हैव जस्ट कम टू टेल यू कि वी ऑल आर देयर फॉर यू, ऑल द टीचर्स आर यू नो डूइंग देयर बेस्ट टू हेल्प यू, गाइड यू एज मच एज पॉसिबल। मैंने कभी भी रेकमेंड नहीं किया अभी तक अपने स्टूडेंट्स को भी कि आप CUET के लिए कहीं बाहर कोचिंग लेने जाओ एंड यू नो बहुत सारे पैसे लगा दो, ऐसा मैंने नहीं कहा। राइटली सो, बिकॉज अभी तक कुछ प्रॉपरली पता ही नहीं था। तो अब पता लग गया है और आप देखेंगे कि वही बच्चे बेनिफिट में रह गए जिन्होंने इधर उधर ऐसे ही कोचिंग ज्वाइन नहीं कर ली। यू विल सी नाउ। सो ये हमारा जो सेक्शन 1 है, जो लैंग्वेजेस का सेक्शन है, उसमें 1A और 1B जिसमें 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस थी, वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है। इसमें से आपको कम से कम एक लैंग्वेज चूज करनी है और बाकी डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। List B जिसमें हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है, B1 एंड B2। तो यहाँ पे आप B1 में देखें अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। मतलब प्राइमरीली अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ कॉमर्स के, तो हमारे लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स यहाँ पे प्राइमरी होने वाले हैं। ऑफकोर्स लीगल स्टडीज भी होता है बच्चों के पास, मैथमेटिक्स, येस। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स इन B1 एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स इन B2। अब ये B1 B2 का क्या करना है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया, देखिए जैसे ये कोर्सेज हैं आपके, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंसेज, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इसमें BBA वगैरह आ गया, BTech, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बैचलर इन म्यूजिक प्रोग्राम्स। अभी मैं आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज अ कोर्स जिसमें मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। तो BCom ऑनर्स और BCom, कुछ कॉलेजेस BCom जो नॉर्मल BCom है, BCom पास, वो ऑफर नहीं करते हैं। तो मैं पहले BCom ऑनर्स की बात करती हूँ यहाँ पर। सो BCom ऑनर्स के लिए आप क्राइटेरिया देखिए आपके सामने है, बहुत ही क्लियर है और मुझे लगता है कि इट इज समथिंग जो बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। सो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 में आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करें List A में से, जैसे प्राइमरली आप में से इंग्लिश हिंदी में से ऑप्ट करेंगे, बट देर आर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। मैथमेटिक्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, यू हैव टू देन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। और बाकी दो सब्जेक्ट्स आप लें जिसमें से कम एक सब्जेक्ट B1 से होना चाहिए, जो List B1 दिखाई थी ना आपको, देखो कम से कम एक B1 में से होना चाहिए। वैसे दोनों भी B1 में से हो सकते हैं।
और जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो मैथ्स नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, अगेन दिस इज अ गुड न्यूज कि आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी होता था फॉर एडमिशन टू सम गुड कॉलेजेस इन डीयू, पर अब ऐसा नहीं है. अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, यू कैन गो फॉर कॉम्बिनेशन टू. आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, वही अकाउंटेंसी, उसको उन्होंने मेन बना दिया है. और बिकॉज ऑब्वियसली बी कॉम है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो अकाउंटेंसी को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है यहाँ पे. एंड देन टू सब्जेक्ट्स जिसमें से कम एक B1 में से होना चाहिए. अगेन कम से कम एक B1 में से होना चाहिए, वैसे दोनों ही B1 में से हो सकते हैं. तो या तो मैथमेटिक्स को उन्होंने प्राइमरी बना दिया या अकाउंटेंसी को, आप इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको सूट करता है यू कैन गो फॉर इट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका कोई जनरल टेस्ट नहीं है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है. सो दिस इज अ लाइक अ रियली गुड न्यूज, क्योंकि दैट वॉज द पार्ट जिससे बच्चे ज्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं हुआ. तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है. उसके बाद उन्होंने कॉलेजेस बताए हैं डीयू में जो आपको बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं. आई वुड से कि आप देखें इसमें कॉलेजेस, एंड जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ड्रीम कॉलेज फॉर मोस्ट ऑफ यू, माई एल्मा मैटर, रियली प्राउड ऑफ इट. सो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 253 सीट्स है, उन्होंने आपको सीट्स बताई हुई है. तो SRCC में आपको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स मिलेगी, नॉर्मल बीकॉम या बीकॉम पास नहीं होगी. मैं SRCC पे देखो, एक तो मैं बायस्ड हूँ भाई, मेरा कॉलेज है तो मैं थोड़ा हाईलाइट तो करूंगी. एंड सेकेंड ऑफ कोर्स दिस इज अ ड्रीम कॉलेज फॉर मोस्ट ऑफ यू. देन ऑफ कोर्स हिंदू, हंसराज, गार्गी कॉलेज, ये सब की आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स. तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स. अब एक बार बीकॉम पास के बारे में भी देख लेते हैं. तो बीकॉम पास के लिए भी आपके जैसे टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस दे हैव गिवन यू, वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, देन टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2. यहाँ पे भी B1 से भी आप ले सकते हैं. देन दिस इज कॉम्बिनेशन टू, आप इसको थोड़ा रीड कर लेंगे. एंड दीज आर द कॉलेजेस विच ऑफर बीकॉम पास, दैट इज योर नॉर्मल बीकॉम. और इसमें आप देखेंगे SRCC इज नॉट ऑफरिंग द नॉर्मल बीकॉम, राइट. सो ये हो गया बीकॉम, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स. इसके बाद आप अपना आराम से टाइम लें और देखें, जैसे सभी बताया उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स BA में. BA में ज्यादातर बच्चे जो ऑप्ट करते हैं दैट इज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सो BA इको के लिए मैथमेटिक्स देखो यहाँ पे कंपलसरी है. इकोनॉमिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. जब आप पढ़ेंगे, इको ऑनर्स करेंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स होना आपके लिए जरूरी है. एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट वन. कम से कम एक लिस्ट वन में से होना चाहिए, वैसे दोनों भी हो सकते हैं. दीज आर द कॉलेजेस दैट ऑफर इको ऑनर्स. इको ऑनर्स SRCC भी ऑफर करता है. SRCC सिर्फ दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करता है, बीकॉम ऑनर्स एंड BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज इको ऑनर्स. और इसमें बच्चों का ड्रीम कॉलेज मोस्टली होता है सेंट स्टीफन्स, बट उनका आपको अलग से क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका एडमिशन क्राइटेरिया नॉर्मली बाकी सब कॉलेजेस से डिफरेंट होता है. सो सेंट स्टीफन्स इज अ ड्रीम कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अ स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू गो फॉर इको ऑनर्स. वैसे SRCC इज ऑल्सो गुड फॉर दैट, बट SRCC मोर सो फॉर BCom ऑनर्स. तो ये हो गया आपका इको ऑनर्स की बात की. वैसे मैंने यहाँ पे BA इन ऑल द सब्जेक्ट्स दे हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी थिंग. उसके बाद आप यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंसेज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बार देख लीजिए. इसमें BMS, BBA, BBE, पहले इसके लिए DU JAT का अलग से पेपर होता था, अब CUET के थ्रू ही होगा. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज रियली डिफरेंट, दैट्स गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पे सभी एलिजिबिलिटी आपको रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हुई हैं. ऑल द कॉलेजेस ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड, एंड सीट्स कितनी कितनी है उसमें वो भी उन्होंने बताया हुआ है. सो चैम्स, आई होप आपको अच्छा लगा सुन के, क्योंकि देर आर सम रियली पॉजिटिव न्यूज. आपको जनरल टेस्ट नहीं देना प्राइमरीली, जैसे अगर मैंने बीकॉम की बात की, इको ऑनर्स की बात की है. मैथमेटिक्स अगर नहीं भी है तो आप बीकॉम ऑनर्स में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. सबसे अच्छी बात तो है ही दैट यू विल गेट अ यूनिफॉर्म लेवल प्लेइंग फील्ड, सभी बच्चे इक्वल हैं. और
आई पर्सनली एम वेरी हैप्पी क्योंकि जनरल टेस्ट नहीं है. टीचर्स वर ऑल्सो टेंस्ड कि बच्चे 1 महीने में कैसे पढ़ने वाले हैं, एप्टीट्यूड जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ा. एंड जनरल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट, जनरल मीन्स एनी थिंग एंड एवरी थिंग. जैसे IAS मतलब UPSC के एग्जाम में भी जो जनरल सब्जेक्ट होता है आपका, सो दैट वॉज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग. बट नाउ एवरी थिंग इज क्लियर. Of course, there will be general test for some of the courses, but primarily if I talk about BCom and Eco Honors, usme nahi hai. But BMS, BBA vagyara mein abhi bhi general test aapko dena hoga, which is fine, kyunki pehle bhi bache isme DU JAT ki preparation karte the, which was again a competitive exam. So I would suggest you to go through this notification, this complete eligibility criteria at the website. du.ac.in और आपके अगर कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट. कंक्लूजन यही है कि अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए टर्म टू के लिए. उसके बाद जो आपके पास टाइम होगा उसमें आप अपना पूरा टर्म वन टर्म टू अच्छे से रिवाइज करेंगे, MCQs करेंगे एंड एवरीथिंग. प्राइमरीली आपको वही पढ़ना है, अकाउंट्स, बिजनेस, इको इफ यू आर गोइंग फॉर बीकॉम, एंड वन लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश और हिंदी. सो हम मिलते रहेंगे. I'm there to help you in every possible way. So all the very best. Keep learning and I'll keep teaching. Milte hain agle video mein.